स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन भारत में पहली बार प्रो शो लेकर आया है। विजेताओं को प्रतिष्ठित मिस्टर ओलंपिया में सीधे प्रवेश मिलेगा। यह भारतीय बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देश के सबसे तेजी से बढ़ते स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड ने शेरू क्लासिक के सहयोग से इस चैंपियनशिप को प्रायोजित किया है। प्रतियोगिता के 4 विजेताओं को मिस्टर ओलंपिया में प्रवेश मिलेगा, जो दुनिया की अल्टीमेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है। स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन के संस्थापक श्री अमनपुरी ने कहा कि भारत में इतने बड़े शो के आयोजन का उद्देश्य भारतीय एथलीटों को प्रतिस्पर्धी करियर को आगे बढ़ाने और बॉडी बिल्डिंग को एक आकर्षक करियर विकल्प के तौर पर पेश करने के अवसर प्रदान करना है। अमनपुरी ने कहा कि अधिकांश बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स का लक्ष्य मिस्टर ओलंपिया में भाग लेना है। बॉडी बिल्डिंग भारत में लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन फिलहाल यह एक आकर्षक करियर विकल्प नहीं है। भारत में प्रो शोज का आयोजन कर हम भारतीय बॉडी बिल्डरों को मिस्टर ओलंपिया में सीधे प्रवेश पाने का अवसर देना चाहते हैं, अन्यथा यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है। विजेताओं को स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट जीतने का बड़ा मौका मिलेगा, जो देश में बॉडी बिल्डिंग को लोकप्रिय बनाएगा। साथ ही इसे एक वैध और मुख्य धारा का खेल बना देगा, जिससे एथलीट अच्छे पैसे कमा लेंगे और उन्हें वैश्विक पहचान भी मिलेगी। प्रो शो का आयोजन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जो दुनिया भर में बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स की देखरेख करता है, और नेशनल फिजिक कमेटी NPC USA के नेशनल फिजिक कमेटी के इंटरनेशनल एमेच्योर शाखा के तत्वाधान में किया जा रहा है। प्रो शोज को जीतने वाले एथलीट ही मिस्टर ओलंपिया में प्रतिस्पर्धा करने के पात्र हैं। यह सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जिसे जीतने की ख्वाहिश हर बॉडी बिल्डर की है। प्रो शोज शौकिया बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स को प्रोफेशनल सर्किट में प्रवेश करने में सक्षम बनाते हैं। केवल प्रोफेशनल या प्रो एथलीट ही पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हैं। अमनपुरी है, स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन हमारा कंपनी का नाम है, और हम यहाँ पे आए हुए हैं IHFF एक्सपो में। हम हर साल आते हैं और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे जैसी सप्लीमेंट कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही छत के अंदर हर तरह का कस्टमर आता है। डीलर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, एथलीट्स आते हैं, हम उनसे मिल पाते हैं, बातें कर पाते हैं, फीडबैक्स ले पाते हैं, प्रोडक्ट्स अपने दिखा के पाते हैं, उनको समझा पाते हैं। हमारा विज़न है कि इंडिया को 2050 तक स्पोर्ट्स कैपिटल बनाना है, और हमें हर स्पोर्ट्स में काम करना है। तो बॉडी बिल्डिंग में हम ऐसे इवेंट्स करते हैं, इसके अलावा हम बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी 35+ स्पोर्टिंग कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, और एक अच्छा सप्लीमेंट रेंज जो कि सैशेस में आता है, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो देते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। बॉडी बिल्डर का लाइफ आसान नहीं है। उनको जो 12 हफ्ते होते हैं कंपटीशन के पहले, वो सबसे मुश्किल होते हैं, जिसमें उनका पानी कम हो जाता है, खाना कम हो जाता है, स्लीप नहीं हो पाता है, वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तरह का इम्बैलेंस आता है। उस इम्बैलेंस की वजह से कुछ लोग उसको नहीं ले पाते, कुछ लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। इसलिए ये बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है, लोग उसकी टेक्निकलिटीज़ नहीं समझते और कहीं पर गलती करते हैं तो प्रॉब्लम आता है कि हार्ट अटैक आया या कोई फेंट हो गया, क्योंकि कई दिनों से वो बहुत डिप्लीटेड एक डाइट में रहते हैं। लेकिन जिसके पास प्रॉपर गाइडेंस होगा, टेक्निकल ट्रेनिंग होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा कि वर्कआउट कैसे करना है, सप्लीमेंट्स कैसे लेना है, डाइट क्या लेना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत ही लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स हैं पूरी दुनिया में, जो 80 साल, 90 साल, 100 साल के भी बॉडी बिल्डर्स हैं आज की डेट में, जो एक्सरसाइज करते आ रहे हैं और फिट हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो समझना पड़ेगा। एक सामान्य आदमी को सप्लीमेंट लेना चाहिए और ले सकता है, क्योंकि हमारे डाइट में सब कुछ नहीं मिलता, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट सारे नहीं मिल पाते। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वेजिटेरियन ज़्यादा हैं और प्रोटीन की डाइट में कमी है। इंडिया की डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेज हैं और बहुत सारे कोरिलेटेड डिजीजेज हैं। इंडिया आज की डेट में डायबिटीज़ में टॉप में आता है, उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, कैंसर में भी इंडिया टॉप में आता है। बट ये सारी चीज़ें रिजॉल्वेबल है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेज बन गए हैं। डायबिटीज़ जैसा जो प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये डाइट का प्रॉब्लम है। ये चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं एक प्रॉपर डाइट से और एक प्रॉपर सप्लीमेंटेशन से, जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।
बहुत बढ़िया एग्जीबिशन है IHFF इंडिया में, एक इकलौता यही प्लेटफॉर्म है जहां हर एक को अपना बेस्ट शो करने का एक चांस मिलता है। ये फिटनेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ऐसे शोज़ नहीं होंगे तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, और ये इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए एक बहुत बड़ा मीडियम है जो ये IHFF वाले करते हैं। इस इंडस्ट्री में 25 साल से हूँ, और ये एग्जीबिशन जब से शुरू हुई थी फ्रॉम द डे वन मैं इनके साथ हूँ जुड़ा हुआ, और आगे भी जुड़ा ही रहूँ। Hey, I'm Jeannie Gogiachuk. I'm here with Fitline as a brand advocate and media coordinator. मैं खुद एक एथलीट रह चुकी हूँ और एक फिटनेस एम्बेसडर हूँ और फिटनेस राइटर भी हूँ। IHFF में मैं पिछले 4-5 साल से आ रही हूँ। इट इज़ एन अमेजिंग ग्रैंड शो एंड माई कंग्रेचुलेशन टू एवरीबडी फॉर गिविंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू वन एंड टू एवरीवन। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।